आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे खबरों का। कुरुक्षेत्र में किसान यूनियन ने एक अहम बैठक का आयोजन किया है। बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया गया और 23 फरवरी को किसानों के जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छुड़वाने के लिए किसानों ने जाम लगाया और केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। वही किसान नेताओं का कहना है कि रादौर क्षेत्र से पदयात्रा शुरू की जाएगी जो पूरे हरियाणा में जारी रहेगी और ये भी कहा कि 12 मार्च को किसान चंडीगढ़ कूच करेंगे और हरियाणा विधानसभा का घेराव भी वो करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के साथ साथ किसानों की कर्ज माफी की मांग जिससे सरकार अब पीछे हट रही है उसे पूरा कराने के लिए अंतिम दम तक का प्रयास किया जाएगा। तो 12 मार्च को किसान चंडीगढ़ कूच करेंगे, उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा का वो घेराव करेंगे, अपनी मांगों को लेकर वो लगातार अड़े हुए हैं। आंदोलन ये है कि जो हमारा आंदोलन ट्रैक्टर ट्राली का 23 तारीख का था, उसको सरकार ने तार पीड़ो किया, दबाव डाल करके इसको कोशिश करी, किसानों को जबरदस्ती रातों को उठाया गया, लिख ली और उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए गैर कानूनी। उनके ट्रैक्टर से जो इम्पाउंड किए गए वो नाजायज, क्योंकि जबकि अपने आराम से जा रहे थे अपनी जिप्सी आगे लगा करके और ट्रैक्टरों को रोक करके इनके ऊपर केस बनाए गए सड़क जाम के और इनके ट्रैक्टर इम्पाउंड किए गए। और ऐसे ही वहाँ रादौर के अंदर लोगों पर शांति प्रिय बैठे थे और उस पर लाठी चार्ज किया गया और उनको चोटें मारी गई और उल्टा कहते हैं कि किसानों ने हमारे ऊपर हमला किया गया, जबकि शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे। तो आज हम इसलिए जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं सरकार से, जो हमारे साथ ये ट्रैक्टर इम्पाउंड किए गए और जो ये केस बनाए गए हैं इनको वापस लिया जाए। तो 12 मार्च को किसान चंडीगढ़ कूच करेंगे, विधानसभा का घेराव वो करेंगे। उनका कहना है कि उनकी मांगों को लेकर लगातार वो जो सरकार के सामने उठा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर अब आगे की रणनीति वो तैयार कर चुके हैं। हरियाणा विधानसभा का घेराव वो करने वाले हैं और जो ट्रैक्टर उनके बॉन किए गए हैं उन्हें छुड़वाने की मांग उन्होंने की है। किसान यूनियन ने यह फैसला लिया है और उनका कहना है कि जो बैठक की गई है उसमें आगामी आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया गया है और 12 मार्च को वो चंडीगढ़ कूच करेंगे। अंबाला में हरियाणा के पैरा खिलाड़ियों ने खेल मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। पैरा गेम्स के पावर लिफ्टिंग खेल में अपनी बाजू का दम दिखाने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को सरकारी सिस्टम काफी दौड़ लगवा रहा है। इसी कड़ी में अपने अधिकार मांगने के लिए पैरा खिलाड़ी खेल मंत्री अनिल विज से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं खिलाड़ियों ने विज को अपनी परेशानियों से रूबरू कराया, अवगत कराया। दिव्यांग पावर वेट लिफ्टर खिलाड़ियों का कहना है कि उनके खेल को सरकार ने खेल पॉलिसी में नहीं लिया है, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कैश अवार्ड भी नहीं मिल पाता है। और कहा कि 18 मार्च से दिल्ली में नेशनल चैंपियनशिप है और ऐसे में प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिल पाने की वजह से उनके प्रदर्शन पर भी अब असर पड़ सकता है और खिलाड़ियों को अपनी जेब से खर्चा उठाना पड़ रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर सरकार ने अब भी उनकी सुध नहीं ली और अब भी उनकी बात को नहीं सुना तो वो देने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं खेल मंत्री अनिल विज का कहना है कि सभी पैरा और एबल्ड खिलाड़ियों को एक समान देखा जाता है और एक समान ही सुविधाएं भी उन्हें दी जाती हैं और यह भी कहा कि खिलाड़ियों की समस्याओं का समाधान जल्द करवा दिया जाएगा। पैरा पैरालिम्पिक खिलाड़ी हूं और इस गेम को 10 साल से कंटिन्यू कर रहा हूं। अब कॉमनवेल्थ में मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है। अब 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ में अब की बार में खेलूंगा और मेरे को अब तक कैश अवार्ड एक ही बार मिला, वो भी पहले मंत्री के कहने से मिला था 2 साल पहले 2016 में। उसके बाद अब बोला जा रहा है तुम्हारा गेम पॉलिसी में नहीं है, तुमको कैश अवार्ड नहीं दिया जाएगा। पैरालंपिक खिलाड़ी मिले हमारे प्रदेश में हरियाणा में, हमने जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और जो एबल्ड खिलाड़ी हैं हमने हर मामले में उनको समान नजर से हम देखते हैं, समान रूप से हम उनको इनाम देते हैं। अब बात करेंगे अंबाला से रिटायर होने जा रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप कासनी की, जिन्हें अनिल विज ने बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया है। जी हां, विज ने कासनी को ईमानदारी और जुझारू अधिकारी करार देते हुए सरकार में उनकी कमी खलने की बात कही है। वहीं कासनी के राजनीति में जाने की अटकलों पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि वो तो हर आदमी का अपना अधिकार है, रिटायर होने के बाद कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है और ये भी कहा कि अगर वो राजनीति में आकर बीजेपी में आना चाहते हैं तो बीजेपी में उनका स्वागत है। साथ ही चुनाव सुधारों के तहत बेल्ट
पेपर और ईवीएम पर प्रत्याशी की फोटो लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि बैलेट पेपर और ईवीएम पर पार्टी का चिन्ह तो होना ही चाहिए और कहा कि बहुत दिनों तक अन्ना हजारे चुप रहे हैं और अब दोबारा उनमें कुछ करने की भावना उजागर हो रही है तो ये अच्छी बात है। अधिकारी हैं और अब रिटायर होने जा रहे हैं तो नेचुरली उनकी कमी तो खलेगी। तो हर आदमी का अधिकार है, किसी भी पार्टी में पॉलिटिक्स में कोई जा सकता है, रिटायर होने के बाद कोई किसी पर रुकावट नहीं है। अधिकारी प्रदीप कासनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। शुक्रिया, थैंक यू। तो सर आप आज रिटायर हुए हैं, सबसे पहले आपका जो अब तक का कार्यकाल रहा कैसा रहा वो जानना चाहेंगे। कार्यकाल 33-34 साल का बहुत अच्छा रहा है जी। सब तरह के सरकार के सभी कामकाज के महकमों में काम करने का मौका मिला, चाहे चार दिन चाहे चार महीने चाहे चार साल जी। तो प्रदीप जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अच्छा कार्यकाल रहा, काफी अच्छा समय रहा, अनिल विज ने भी आपको ईमानदार और जुझारू अधिकारी बताया है, तो जिस तरीके से आपका कार्यकाल रहा, काफी ट्रांसफर आपके हुए हैं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? ट्रांसफर दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि समय से पहले यदि ट्रांसफर करते हैं तो आप किसी भी काम में पूरा योगदान दे नहीं पाते। हाँ। और ये मुद्दा केवल हरियाणा में नहीं पूरे सभी स्टेट्स का रहा है और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो उस समय ये फैसला हुआ था कि दो साल से पहले ऑफिसर्स की बदली ना की जाए और खास हालात में करनी पड़े तो उसकी वजह बताई जाए, लेकिन ये अमल में नहीं लाई गई थी जिसकी वजह से यहाँ दो दो महीने में थी और एक बार तो मेरा दो दिन में तीन बार तबादला हुआ है जी। जो कि मतलब सरकार में बैठे हुए लोगों का डर उसके पीछे काम कर रहा होगा। हाँ। वरना आप दो चार घंटे के भीतर कोई खराब काम तो कर नहीं सकते। बिल्कुल प्रदीप जी, आपकी आपकी जो ईमानदारी है क्या पता उसी के डर के चलते ये सब एक्शन जो है लिए जाते हैं, आपके ट्रांसफर जो है वो कराए गए हो। तो जिस तरीके से विज ने अनिल विज ने कहा है कि आपकी कमी महसूस होगी, आपको बीजेपी में शामिल होने का न्योता उनकी तरफ से दिया गया है, तो उसे किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो मुझे आपसे सुनने का मौका मिल रहा है और अनिल विज बेहतर तरीके से काम करते रहे हैं, सरकार के सबसे कर्मठ मंत्रियों में गिने जाते हैं जी। तो उन्होंने कहा है तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरा राजनीति को ज्वाइन करने का उस तरह से कोई विचार नहीं जी। प्रदीप जी अगर विपक्ष की बात करें, जब विपक्ष सामने होता है कुछ और कहता है, सरकार अगर उनकी होती है तो कुछ और कहता है, अलग अलग बातें उनके सामने आती है, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? मैं समझा नहीं, थोड़ा जिस तरीके से आपने बताया कि विपक्ष कहीं ना कहीं घबराया होता है, डर होता है उनके दिल में, आपका ट्रांसफर जिस तरीके से बार बार कराया गया, कई बार एक दिन में भी आपने कहा कि ट्रांसफर कर दिया गया, तो उसे किस तरीके से आप देखते हैं, क्या नजरिया है? सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो सत्ताधारी होते हैं, जिनके हाथ में ताकत होती है, वो कई बार चाहते हैं कि उनका काम हो, उनके हित का साधन हो और नियम कायदे की परवाह ना की जाए। जबकि मेरे जैसे ऑफिसर जो डरपोक होते हैं वो कहते हैं कि हम नियम कायदे से दाएं बाएं नहीं होंगे जी। तो ये वजह ट्रांसफर की बनती है। तो ब्यूरोक्रेसी की अगर बात की जाए तो क्या फ्री हैंड होकर वो काम नहीं कर पा रहे हैं आज के समय में? बिल्कुल, दबाव होते हैं दैनिक जीवन में, दैनिक कार्य पद्धति में बहुत ज्यादा दबाव होते हैं जी। और बहुत से लोग उन दबावों के सामने सरेंडर भी कर चुके होते हैं जी। चलिए प्रदीप जी, तो जिस तरीके से आपका सफर ये रहा है, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा सफर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो काफी अच्छा कार्यकाल प्रदीप कासनी जी का रहा और इसी के साथ कासनी की कमी महसूस होगी, अनिल विज का ये कहना रहा है, बीजेपी में शामिल होने का न्योता उनकी ओर से दिया गया है और अब आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो अपने आगे का सफर जो है वो तय करेंगे। हांसी में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति हवा सिंह सांगवान गुट के लोग धरना देने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जाने से रोक दिया है। प्रशासन ने कहा है कि आप परमिशन दिखाओ, बगैर परमिशन आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। वहीं जाट आरक्षण संघर्ष के हवा सिंह सांगवान गुट के लोगों ने बस स्टैंड पर अपना धरना लगाकर प्रदर्शन किया। सांगवान का कहना है कि सरकार जाटों की आवाज को दबा रही है और आने वाले दिनों में सरकार को यह भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार को जब उन्होंने रामायण ट्रैक के
पास धरना देना चाहा तो वहां भी प्रशासन ने पानी भरवा दिया और उसके बाद उन्होंने भागना गांव की जमीन ली तो प्रशासन ने उस पर धरना देने से मना कर दिया है और कहा कि अब वो भागना गांव के लोगों के साथ मीटिंग करके आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। और उन्होंने यशपाल मलिक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के साथ यशपाल मलिक भी मिला हुआ है और ये सारा खेल यशपाल मलिक के इशारों पर रचा जा रहा है। कल भी था हमारा यहाँ धरना और आज भी है और कल हमको गांव बता देगा, जगह दे देगा, वहाँ धरना शुरू कर देंगे। जितना दुखी कर रहे हैं सरकार उससे ज़्यादा रोष आएगा जाटों में, मैं जानता हूँ। और खट्टर साहब तो ये छत को छेड़ रहा है तो इसका जो है ना फिर देखो ना परिणाम क्या आते हैं आने वाले समय। मांग हमारी बड़ी सीधी है, हमको तो लिस्ट दे दो कि कौन कौन से केस वापस लिए हैं, कौन से लड़के आप लोग बाहर निकाल दिए, वो केस दे दो, हम वो अपने वकीलों से, हमारे वकील हैं हर जगह, हम बैठे बैठे यहीं से वेरीफाई करवा लेंगे। करनाल में लगातार 3 दिन से चोरी की बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं और ताजा मामला सेक्टर 6 का है। बताया जा रहा है कि चोरों ने हजारों की नकदी, सोने चांदी के कुछ आभूषणों पर भी हाथ साफ किया है और ये भी बताया जा रहा है कि दर्शन सिंह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सेक्टर 6 में मकान किराए पर लिया हुआ था। मंगलवार जब वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर पहुंचे तो देखा कि घर में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित की पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस मैं संडे को आया था, बैंक में काम करता हूँ और अभी आज बैंक बंद करके आया तो पता चला कि अंदर सामान बिखरा पड़ा सारा। तो क्या कुछ सर ले गए? मिसिज के सर, एक तो इसमें बैग में थे 25-30 हज़ार रुपया जी, और एक टॉपर्स थे उसके, कुछ पंजाबी थी चांदी की। तो पुलिस को दे दिया सर शिकायत? पुलिस को दे दी। तो ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता केसी आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आर्या, क्या कुछ अपडेट है पूरी वारदात को देखते हुए? बिल्कुल, ये मामला जो है ना करनाल का है और करनाल में पहले लगातार जो है ना सीएम सिटी में चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है और अब ये तीसरी जो है ना लगातार चोरी की वारदात है जिसमें जो है ना एक घर में जो है काफी नगदी के जो है ना 25-30 हज़ार रुपए उनके जो नगद थे और वहीं जो है ना सोने के और जो है ना कई गहने जो है ना उनके चुरा कर लो गए हैं। तो इस वारदात से लोगों में कहीं ना कहीं रोष है कि हर रोज जो है ना चोरियां बढ़ रही हैं, परंतु जो है ना पुलिस या कानून का किसी को खौफ नहीं है। चोर हाँ। जो है ना रात पूरी रात जो है ना चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं, परंतु हाँ। पुलिस कुछ भी नहीं करती और वही लकीर के फकीर बने हैं। जांच जारी है, जांच कर रहे हैं, यही आश्वासन मिल रहा है पुलिस की तरफ से, परंतु लोगों में का कहना यही है कि कब ये चोरों पे काबू होगा, क्योंकि लूट गैती चोरी की वारदातों से काफी लोगों में दहशत है और यही जो लगातार तीसरी घटना है करनाल के 3 दिन से कि चोरी की वारदात को फिर अंजाम दे दिया गया और चोर चोरी करके फरार हो चुके हैं। चलिए आर्या, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो लगातार जिस तरीके से चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद वो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं, पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरीके की वारदातों को देखते हुए उनमें रोष है क्योंकि चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चोरों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है और इस तरीके की वारदातों से लोग परेशान हैं। लोहारू में बीजेपी उपाध्यक्ष जेपी दलाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 4 मार्च को डिगावा में होने वाली सीएम की जिला स्तरीय सम्मान रैली ऐतिहासिक होने का उन्होंने दावा किया है। रैली में किसान 2 दशक बाद नहरी पानी मिलने पर सीएम का सम्मान करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि उनकी सभी नहरों को 12 मासी कर नहरी पानी का पूरा हक उन्हें दिया जाए ताकि इस क्षेत्र को डार्क जोन में आने से बचाया जा सके। वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष ने सम्मान रैली की तैयारियों के लिए अनेकों गांवों का दौरा कर लोगों को रैली में शामिल होने का न्योता दिया है। जेपी दलाल का कहना है कि इस बार हल्के में सरसों की बंपर पैदावार होने की उम्मीद है और उनका प्रयास है कि किसानों की सरसों का एक एक दाने की सरकार खरीद कराई जाए ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिल पाए। उन्होंने नौजवान के लिए रोजगार के मौके सृजित करने के लिए प्रयास करने की भी बात कही है। फतेहाबाद के चिंदर गांव में 20 वर्षीय एक युवक का शव नहर में मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक चिंदर में अपने मामा के घर पर आया हुआ था, यहां पर से वो लापता हो गया था जिसका शव नहर से बरामद किया गया है। मामले को लेकर एसएचओ रुपेश चौधरी का कहना है कि शक के आधार पर सारंगपुर निवासी से पूछताछ की गई तो युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के देवीलाल की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और इसी के चलते देवीलाल ने तेज धार हथियार से हत्या कर शव
नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जिसे रिमांड पर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि रिमांड में आरोपी से हत्या के लिए जो उसने प्रयोग किया था हथियार और अन्य तरह की जांच और पूछताछ उसे जारी है। सुरेश के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई कि जिसमें सतीश और बबलू गांव चिंदक से गायब है, जिस पर 340 का पर्चा दर्ज किया गया। उसके बाद 24 तारीख को दोबारा से बयान अंकित करवाए सुरेश ने कि भी देवीलाल द्वारा इसको कहीं मारकर और इसके नहर में लाश गिर दी गई है, जिस पर 302 ईजाद करके और सतीश उर्फ बबलू की लाश थाना नोर इलाके से मिल गई थी, जिस पर राजस्थान पुलिस द्वारा 174 की कार्रवाई और पोस्टमार्टम करवाया गया था। जो आरोपी देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस रिमांड पर है। तो ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र मोंगा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये जो युवक की हत्या का मामला सामने आया है, इसे लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? इसमें हत्या की अगर बात की जाए तो इसका शव जो है राजस्थान नहर में मिला था और अवैध संबंध के चलते जो हत्या की गई है, सारंगपुर का रहने वाला है ये युवक और अपने मामा के घर चिंदड़ आया हुआ था। और जो देवीलाल है उसे शक था भी इसकी पत्नी के साथ इस सतीश नामक युवक के जो अवैध संबंध और काफी दिनों से चले आ रहे हैं, और यही कारण था भी देर रात को ये इसे बुलाकर अपने साथ ले गए और बड़ोपल नहर के पास पहले इसकी हत्या कर दी और इसके शव को जो है नहर में फेंक दिया, जिसके बाद राजस्थान में इसकी शव की जो बरामदगी हुई थी और इसके बाद अब इस व्यक्ति देवीलाल को जो काबू किया गया है। जितेंद्र, पुलिस का क्या कुछ कहना है पूरे मामले के चलते? ये पुलिस ने इस मामले में देवीलाल को काबू कर लिया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। उसने कहा है अभी पत्नी के जो चीज के साथ अवैध संबंध और इसी के कारण इसी के चलते उसने हत्या जो है की थी। वहीं जो हथियार बरामदगी है, जो अन्य जो निशानदेही है पुलिस की ओर से रिमांड के दौरान वो करवाई जानी है। हाँ, चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो युवक की हत्या का जो मामला सामने आया है, 20 वर्षीय युवक का शव नहर से बरामद किया गया है और आपको बता दें कि तेज धार हथियार से इस युवक की हत्या की गई। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, रिमांड पर उसे भेजा गया है, जहां पर पुलिस उसे पूछताछ कर रही है और उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। तो 20 वर्षीय युवक का शव नहर से बरामद हुआ है। अवैध संबंधों के चलते पति ने युवक की तेज धार हथियार से जान ले ली, युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद उसका शव नहर से बरामद किया गया है, जिसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई। आरोपी की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है, उसे रिमांड पर भेजा गया है, कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है और अब आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बात करें गुरुग्राम की, तो वहां पर बिजली के कटों और ट्रांसफार्मर नहीं बदलने से परेशान होकर लोगों ने बिजली दफ्तर पर हंगामा करना अब शुरू कर दिया है और दफ्तर के गेट पर ताला लगाकर धरने पर वो बैठ गए हैं। लोगों का आरोप है कि पिछले 2 सालों से ट्रांसफार्मर की दिक्कत से लोगों को भारी परेशानियां जो है उनका सामना करना पड़ रहा है और कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि लोगों ने एसडीओ से भी इस बारे में बातचीत की है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है, जिस कारण दफ्तर पर ताला जड़ दिया गया है। वहीं अधिकारियों के आश्वासन पर लोगों ने दफ्तर के तालों को खोल दिया है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को जो भी परेशानी है उसके समाधान के लिए काम किया जा रहा है और ये भी कहा कि जल्द ही सभी पुराने ट्रांसफार्मर्स को बदल दिया जाएगा। सोनीपत के एक निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। दरअसल गांव भटगांव निवासी एक गर्भवती महिला इलाज के लिए अस्पताल में आई थी। अस्पताल में गर्भवती महिला के गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद महिला ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कराने की मांग कही है। वहीं डॉक्टर्स ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि जब मरीज अस्पताल में आया था तब उसे बुखार था और अभी डिलीवरी का समय दूर था। इसके बाद लैब से जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक ही डॉक्टर्स ने इलाज करना शुरू किया था। पिछले काफी दिनों से मरीज को बुखार था, तो कह सकते हैं कि डॉक्टर्स ने सभी आरोपों को नकार दिया है और महिला की गर्भ में मौत हुई है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की मांग महिला ने की है। चलिए, हरियाणा हलचल में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।